वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ राज पिपला चिकन। इसके लिए मैंने बर्तन में सरसों का तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर लिया। इसमें मैं दो बड़ी प्याज फ्राई करूँगी। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए अनियन ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी। इसे भूनेंगे। अब इसमें मैं 1/2 किलो चिकन लिए मैंने वो डाल दूंगी। 1/2 किलो से थोड़ी ज़्यादा ही होगी ये। इसे 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। देखिए यहाँ पे चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी और चिकन को हाफ डन होने तक पकाऊंगी। देखिए यहाँ पे चिकन हाफ डन हो गई है। यहाँ पर हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। ये मैंने 100 ग्राम दही ले लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून सलाद ऑयल डालूंगी, 1 एग योक, 4 हरी मिर्ची चॉप करके, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबलस्पून उस्टर शाही सॉस डालेंगे। और 1/4 टीस्पून राई डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस मिक्सचर को चिकन में ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ढककर 10 मिनट के लिए हल्की स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा डालूंगी। वन टेबल स्पून हरा धनिया और पुदीना, इससे गार्निश करूंगी। फिर मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए राज पिपला चिकन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे आलू की सल्ली के साथ पुदीना और लेमन के साथ सर्व किया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।